गुरुवार को छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त दर्जनों समस्याओं को लेकर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके नेता पुष्पेंद्र अहिरवार के नेतृत्व में एक व्यापक प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। पुष्पेंद्र अहिरवार के नेतृत्व में सैकड़ों लोग लवकुश नगर के बासानाला के समीप एकत्रित हुए और यहां से हाथों में तख्तियां लेकर रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां पुष्पेंद्र अहिरवार ने लगभग 20 से अधिक मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई मांगें की हैं। इन मांगों में चंदा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को हो रही खाद और बीज की समस्या प्रमुख रूप से शामिल है। इसके साथ ही कई स्थानों पर सड़कों का अभाव, बिजली का अभाव, कई स्थानों पर बस स्टैंड निर्माण से जुड़ी मांगें और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के मुद्दे शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोग शामिल हुए और इनके हाथों में तख्तियां थीं। इन तख्तियों के साथ इन्होंने चंदला विधानसभा क्षेत्र के विकास की मांग उठाई, साथ ही लवकुश नगर को जिला बनाने की आवाज भी बुलंद की गई। गौरतलब है कि लंबे समय से छतरपुर जिले के लवकुश नगर अनुविभाग को जिला बनाने की मांगें की जा रही हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लवकुश नगर के अंतर्गत ही चंदला विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है, जो कि छतरपुर का सबसे अविकसित और पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश प्रजापति और इसके पहले उनके पिता आरडी प्रजापति विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब भी क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। हमारा ज्ञापन चंदला क्षेत्र के जो किसानों की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बिजली की समस्या है, खाद बीज बोने की समस्या है, एवं का चंदला विधानसभा में सर्वे और गोरियार में बस स्टैंड का निर्माण की व्यवस्था है, आपके लवकुश नगर में सिविल अस्पताल, बारीगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सभी अस्पतालों में स्टाफ की व्यवस्था की जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर लवकुश नगर को जिला बनाया जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हमने किसान भाइयों के साथ ज्ञापन सौंपने का काम किया। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? एसडीएम साहब सर ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही आपकी समस्याओं को निराकरण करेंगे और हमने भी एसडीएम साहब से अनुरोध कर अल्टीमेटम दिया है कि एक माह में क्या क्या कार्य किया गया है, आप उसको एक बिंदुओं पर क्या क्या कार्य किया उसको हम लोग आपसे पूछने का कार्य करेंगे। साथ ही अगर नहीं किया गया है तो गौरियार में हम लोग किसानों के साथ, हजारों किसानों के साथ अमरण अनशन पर बैठने का कार्य करेंगे।